अब हम शुरुआत करते हैं सतत श्रेणी की। सतत श्रेणी से कंटिन्यू सीरीज से हम क्वेश्चन करेंगे। सतत श्रेणी तीसरी, इसको हम अखंडित श्रेणी भी कहते हैं। अखंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी भी कहेंगे इसे हम। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले तो ये श्रेणी कौन सी होती है, ये ऐसी श्रेणी होती है जिसके अंदर मूल्य वर्गांतर के रूप में दिया होता है और आवृत्ति दी होगी, ठीक है। अब वही प्रक्रिया, सर्वप्रथम पहला पॉइंट हमें इसको एक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, चाहे बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। इसके बाद में हम स्मॉल एन ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ साइज जो है एन प्लस वन अपॉन टू वे पद के रूप में नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, यहाँ एन अपॉन टू वा पद होगा, ठीक है ना। तो एन अपॉन टू वे पद का आकार जो है, बस यही अंतर है स्मॉल एन के अंदर। जब हमने व्यक्तिगत श्रेणी की तो उसमें एन प्लस वन अपॉन टू था, खंडित श्रेणी के अंदर भी एन प्लस वन अपॉन टू था, लेकिन यहाँ जब आप अखंडित श्रेणी के अंदर सतत श्रेणी के अंदर ये ज्ञात करोगे तो साइज ऑफ एन अपॉन टू के रूप में लिखना है, प्लस वन इसमें नहीं लगेगा। तो पहला काम हमारा इसको एक ऑर्डर में लगाएंगे, दूसरा काम इसके अंदर फॉर्मूला ये है। लेकिन इससे पहले देखो, हम सेकंड पॉइंट जो है, जो हमें आवृत्ति दी हुई है उससे हम क्या ज्ञात करेंगे, सी एफ ज्ञात करेंगे उसी तरह से। तो आवृत्ति से सी एफ, संचय आवृत्ति ज्ञात करने के बाद में हम स्मॉल एम का ये फॉर्मूला लगाकर स्मॉल एम मध्य का संख्या ज्ञात कर लेंगे। मध्य का संख्या ज्ञात करने के बाद उसी तरह से हम ये देखेंगे कि ये मध्य का संख्या प्रथम बार किस सी एफ में शामिल है। जिस सी एफ में शामिल होगा उसके सामने वाला वर्ग, क्योंकि आप मूल्य नहीं है, वर्गांतर होगा, उसके सामने वाला वर्गांतर उसको क्या कहेंगे हम, मध्य का वर्ग कहेंगे। वो क्या कहलाएगा, मध्य का वर्ग। देखो जैसे हम एक उदाहरण देते हैं और उस मध्य का वर्ग से ही हमें कोई आंसर मिलेगा, वही हमारी मध्य का होगी। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक हम उदाहरण देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित तालिका कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण प्रस्तुत करती है। तो एक तो प्राप्तांक दे रखे आपको, अंक दे रखे हैं वर्गांतर के रूप में, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और ये दे रखे हैं 60 से 70, 70 से 80 तक दे रखे हैं। और इनकी जो आवृत्ति है, संबंधित आवृत्ति 42, 38, 42, 38, 120, 84, 120, 84, इसके बाद में 48, 36 और लास्ट है 31, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये श्रेणी हमारी कंटिन्यूस सीरीज की है, अपनी सतत श्रेणी है, क्योंकि इसमें वर्गांतर दिए हुए हैं। हमारा कहीं भी कोई मूल्य 10 से लेकर 80 तक बीच में नहीं छूटता, रेगुलर मूल्य हमें इसके अंदर मिल रहे हैं कंटिन्यूस। तो देखो वही तरीका, सबसे पहले इसको एक ऑर्डर में लगाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वर्गांतर हमारा ऑर्डर में ही है। अगर ये होता कि 30 से 40 वर्ग ऊपर होता ये नीचे होता तो इसको हम सेट करते हैं, लेकिन एक तो वर्गांतर हमें जो दिया हुआ है एक ऑर्डर में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, तो फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। अब दूसरा हमें आवृत्ति से सी एफ ज्ञात करनी है, वही तरीका जैसे हमने पीछे किया था खंडित श्रेणी के अंदर। तो संचयी आवृत्ति ज्ञात कीजिए, 42, 42 और 38, ये 80, 80 और 120, 200, 200 और ये 84, 284, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में 332, 332 और ये हो जाएगा 368 और 31, 399। सबसे पहले हमने संचयी आवृत्ति ज्ञात की, इसे थोड़ा चेक कर लेते हैं, 42, 80, 200, 284, 332, 368 और 399। हमने सबसे पहले इनका योग किया, संचयी आवृत्ति ज्ञात की। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद में फिर तीसरा पॉइंट हम यहाँ स्मॉल एम का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना प्लस वन नहीं होगा। तो इस स्मॉल एम से हमने एन का मान, एन वही होता है जो लास्ट सी एफ हमारी होगी, एन है 399, क्योंकि हमने योग
इसमें इसी में भी योग किया था और यहाँ योग करेंगे तो लास्ट जो सी एफ होगी उसके बराबर ही होगा। तो हमें यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट सी एफ का मान है वो लिख दिया करो। तो यहाँ 399 बटा में 2, अब ये कितना हो जाएगा इसमें, ये हो गया 1399 है तो 199.5 वहां पद आ गया, पद 199.5 पद, 199.5 पद जो है पहली बार किस सीएफ में शामिल है, इसमें देखो 200 में शामिल है, प्रथम बार किस सीएफ में शामिल है 200 में शामिल है प्रथम बार, 399 बटा में 2, 199.5 पद प्रथम बार किस सीएफ में शामिल है 200 में शामिल है। तो अब उस जब खंडित श्रेणी में हमने किया तो उसके सामने जो मूल्य था वही हमारी मध्य का थी, ठीक है। सपोज करो कि अगर ऐसा होता तो हमारी मध्य का कितनी हो जाती 40 अगर खंडित श्रेणी होती, लेकिन इसमें यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो एक वर्गांतर आ गया। अब इस वर्गांतर के मध्य में ही हमारा कोई आंसर होगा, 30 से 40 के बीच में, 40 नहीं हो सकता, 30 से लेकर अपने 39.99 तक कोई भी मान हो सकता है, 40 से कम रहना चाहिए क्योंकि 40 तो अगले वर्ग में शामिल है। तो ये कौन सा आंसर है ये ज्ञात करने के लिए हमारा मध्यका का सूत्र लगेगा। मध्यका का सूत्र हमारा क्या है, माध्यिका या मध्यका का सूत्र क्या होगा, कैपिटल एम बराबर एल वन प्लस स्मॉल एम माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, ये फॉर्मूला है। अब इसमें देखो स्मॉल एम वही है एन अपॉन टू, चाहे तो आप इस फॉर्मूले में ऐसे एन बटा दो भी लिख सकते हो, एक ही बात है, चाहे आप स्मॉल एम लिख दीजिए इस तरह से। तो यहाँ अब ये क्या क्या चीजें देखो, एल वन क्या चीज है, जो हमारी मध्यका संख्या आई, मध्यका संख्या कौन, जो हमारा मध्यका वर्ग आया, मध्यका वर्ग कौन सा है था हमारा ये, इसकी जो निम्न सीमा है ये तो एल वन है, एल टू ही हो जाएगा, एल टू हमें अवरोही क्रम में जब सूत्र का यूज करते हैं तब लगाना पड़ता है, यहाँ नहीं। तो एल वन ये क्या चीज है, मध्यका वर्ग की निम्न सीमा है, मध्यका वर्ग की निम्न सीमा। और क्या चीज है इसमें, स्मॉल एम वही मध्यका संख्या जो अभी हमने ज्ञात की, 199.5 पद आ गया। फिर नेक्स्ट देखो सी, सी या सी एफ भी लिख सकते हो, सी क्या चीज है, 199.5 पद प्रथम बार किस सी एफ में शामिल था, 200 में शामिल था, इससे जस्ट पहले वाली जो सी एफ है उसको हम कहते हैं सी, ये हमारा सी है, सी या सी एफ कई जगह लिखा होता है। तो यहाँ सी क्या चीज है, जो हमारा मध्यका वर्ग है उससे जस्ट ऊपर वाले वर्ग की सी एफ को कहते हैं, जो कि इसमें 80 है। इसी तरह से एफ क्या चीज है, मध्यका वर्ग जो है उसकी आवृत्ति को एफ कहते हैं, मध्यका वर्ग की आवृत्ति एफ है। अब आई रह गया, आई क्या चीज है, ये मध्यका वर्ग का अंतर होगा, तो यहाँ आई कितना है इसके अंदर 10 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आई बराबर है 10, बस यही हमें मान चाहिए। जब आप ये मान इस सूत्र में रखकर ज्ञात करोगे तो मध्यका हमारी ज्ञात होगी, L1 का मान कितना है इसमें 30, स्मॉल m का मान कितना है 199.5, इसी तरह से C का मान कितना है 80, F का मान कितना है इसमें 120 और ये 10, क्योंकि गुणा में है तो ये 10 काट सकते हैं इसको। अब इसको हल कर लीजिए, मध्यका बराबर 30 प्लस 199.5 में 80 घटाया हमने, तो यहाँ 80 घटाया इसमें तो 119.5 और बटा में 12 ये आ जाएगा, 119.5 में आप भाग दीजिए 9.96 आएगा, कितना है ये, m बराबर 30 प्लस 9.96 यानी कि m का मान 39.96 आ गया, ठीक है। इसके मध्य में ही है, 30 से 40 के मध्य में, मध्य का हमारी क्या बनेगी 39.96। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लेना अच्छी तरह से, क्या आंसर है हमारा 39.96 आएगा। तो ये मध्य का एक तरीका हो गया। हम नेक्स्ट जो वीडियो उसमें कुछ समांतर माध्य, कुछ मध्यका के अन्य अतिरिक्त क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।